An Academy. Let's crack it. So, आप सभी का स्वागत है An Academy में और ये काफी इम्पोर्टेंट सेशन है। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे आप सभी को पता है अभी भूमि पूजन हुआ है अयोध्या मंदिर का, अयोध्या में जो राम मंदिर का जो काम है वो आपका शुरू हो गया है, कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया और यहाँ पे भूमि पूजन जो है वो अभी हुआ और उसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया गया था और काफ़ी ज़्यादा डिबेट आपकी शुरू हुई थी रिलेटिंग कि क्या हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट या हेड ऑफ़ द स्टेट को ऐसे रिलीजियस फंक्शंस को अटेंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। काफ़ी सारे आर्टिकल्स भी आए थे, तो इन सारे आस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे हम और साथ में डिस्कशन के लिए हैं डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा जो कि अगेन सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिसिंग लॉयर भी हैं। सो हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे सर? बस बिल्कुल सही सर। तो सर आपको क्या लगता है कि जब हेड ऑफ द स्टेट या फिर या हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जैसा भी हम डेमोक्रेटिक हमारा सिस्टम हो, सो उसमें अगर वो किसी भी रिलीजियस फंक्शंस को अटेंड करते हैं या अपने फेथ को प्रैक्टिस करते हैं, सो क्या ये संवैधानिक लेवल पे या कॉन्स्टिट्यूशनल के आधार पे देखा जाए, क्या ये सही है? आपका क्या कहना है इसमें? सर कुछ ही शब्द ऐसे हैं, there are only a few words in the constitution, जिसको more than this variations या फिर मैं बोलूँगा misinterpretations है as compared to the word secular। शायद ही कोई ऐसा word है जिसको इतनी पूरी तरह से और इतने अलग अलग तरीके से misinterpret किया गया जितना इस word secular को किया गया। secular word हमारे original constitution में नहीं था सर, कारण था कि नहीं था। कारण इसलिए था बिकॉज द ग्रेट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को समझ में आ गया था कि जो एक्चुअली सेक्युलर शब्द है वो वेस्टर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम का पार्ट है, जहां पर स्टेट और रिलीजन एक ऐसे हम पूरी तरह से अलायदा है, कंप्लीटली एब्सोल्यूटली डिवोर्स फ्रॉम वन अनदर। इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए प्रियम्बल में भी सेक्युलर शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में भी सेक्युलर वर्ड का इस्तेमाल नहीं हुआ। इट वॉज फार लेटर 26 इयर्स आफ्टर वी बिकेम अ रिपब्लिक 1976 में व्हेन मैडम इंदिरा गांधी डिसाइडेड, द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट डिसाइडेड कि 42nd अमेंडमेंट 1976 से ये अच्छा रहेगा कि सेक्युलर शब्द का इस्तेमाल कर दे। जब वी लेट्स नॉट गेट इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ इट, ओके, सो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द पॉलिटिक्स ऑफ इट, बट सेक्युलर शब्द डाल दिया गया। सेक्युलर जो शब्द है वो शब्द तो वही रहा जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट का था और हमने अपने कॉन्सेप्ट में उसको डाल दिया गया रिगार्डलेस ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द रिपरकशन जो ये शब्द लेकर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर एंड द फाउंडिंग फादर्स ने जिस कॉन्सेप्ट को हमारा सेक्युलर वर्ड यूज करवाने की जगह अप्लाई करना था वो था गांधीवादी का प्रिंसिपल, द गांधीयन प्रिंसिपल ऑफ व्हाट इज कॉल्ड ए सर्वधर्म संभाव। ये हमारा डेफिनेशन था, इसीलिए बिना उस वर्ड को यूज किए हमारा प्रिंसिपल सर्वधर्म संभाव ही था। और ये महात्मा गांधी की इन्वेंशन नहीं थी, लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट इट, ये फाउंडिंग फादर्स की डेफिनेशन नहीं थी। इंडिया हमेशा से सेक्युलर था अगर सर्वधर्म संभाव को समझा जाए, तो उसका वो मोहताज नहीं था कि वो प्रियम्बल में डालेंगे तो ही हम सेक्युलर होंगे। वो इस चीज पर डिपेंडेंट नहीं था कि आप सेक्युलर वर्ड हटा दो तो इंडिया कुछ और बन जाएगा। इंडिया हमेशा से था, यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ पारसीज, ईरान से आए थे वो, उनको वैसे ही गले लगाया गया जैसे वो हमारे ही है और आज भी वो हमारे ही है। सर्वधर्म संभाव हमेशा से था। सो लेट अस हैव फर्स्ट दिस पिक्चर वेरी वेरी क्लियर कि हमारी वेस्टर्न डेफिनेशन नहीं है, हमारे सर्वधर्म संभाव है। अब आई विल कम टू योर क्वेश्चन व्हिच इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, ओके। तो सर इस वर्ड को तोड़ देते हैं, इस वर्ड को ब्रेक कर लेते हैं और वो ही सवाल का जवाब हो जाएगा। सर्व धर्म संभाव, सर्व सब धर्म, सब धर्म सम इक्वल भाव, वर्ड यहां पे भाव है, फीलिंग्स नॉट एक्शन सर, भाव फीलिंग्स, ओके। और वो इस देश को समझना पड़ेगा कि यहां सर्वधर्म संभाव है, मैं आदर करता हूं हर धर्म का, मैं हर एक को एक नजर से इज्जत देता हूं, आई रिस्पेक्ट योर रिलीजियस सेंटिमेंट्स,
डज नॉट मीन कि मैं अपना धर्म प्रैक्टिस नहीं कर सकता। मैं दो मिनट के लिए नरेंद्र मोदी को भूल जाता हूं, कोई और प्रधानमंत्री बना लेते हैं जो किसी और धर्म के हैं, क्या उनको अपना धर्म प्रैक्टिस करना अलाउड है या नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन अपने धर्म को प्रैक्टिस करते हुए मैं ये नहीं कह सकता कि सामने वाले का धर्म गलत है या उसके धर्म को अनादर नहीं कर सकता। ये मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वधर्म संभव है। हमारे पास आर्टिकल 25 है जो बोलता है राइट टू वर्शिप, इंक्लूडिंग वो जो एथीस्ट है, जो नहीं मानते, जो नास्तिक है। लेकिन मैं आपके धर्म की भी उतनी इज्जत करूंगा जितना आप मेरे धर्म के करेंगे, ये मेरी डेफिनेशन है। तो मैं साष्टांग नमन करूंगा श्री राम के सामने, साष्टांग नमन करूंगा। मुझे इस मेरे साष्टांग नमन करने से क्या किसी और धर्म का अनादर हो रहा है? नहीं। तो मैंने सेक्युलर स्पिरिट को कहीं से भी नहीं तोड़ा। अगर हम इस बात को समझ जाए तो ये आर्ग्यूमेंट, ये डिस्कशन अब भी सबको सेटल की जा सकती है। नहीं सर, वो तो बिल्कुल बात आपकी सही है। जैसे ये एक स्टेटमेंट है डॉक्टर के एम मुंशी, जो कि मिनिस्टर थे पहले नेहरू कैबिनेट के, और उन्होंने ये कहा कि सेकुलर स्टेट इज नॉट अ गॉडलेस स्टेट, सेकुलर स्टेट इज नॉट अ गॉडलेस स्टेट। तो सेकुलरिज्म ठीक है, मतलब उसका जो एक भाव है, जो स्पिरिट है, वो हमारा समाज तो पूरे तरीके से फॉलो करता ही है। हमारे समाज में हर चीज को हम जैसे कहते हैं इनटॉलरेंस, तो इनटॉलरेंस शब्द इंडियन सोसाइटी में लागू ही नहीं हो सकता, क्योंकि हम अगर ये कह दें कि हम किसी, क्योंकि अगर जब आप किसी को टॉलरेट, हम किसी को टॉलरेट नहीं करते। इंडियन सोसाइटी को डाइवर्सिटी ही डिफाइन करती है। सो डाइवर्सिटी के साथ रहना, ये हमारे समाज का या फिर इंडिया एज अ सोसाइटी का एक तो बेसिक फीचर है, बेसिक आप कह सकते हैं कि एक बेसिक आस्पेक्ट है। सो ऐसी सिचुएशन में हमने ठीक है सेकुलरिज्म शब्द तो इंट्रोड्यूस कर दिया, लेकिन उस सेकुलरिज्म शब्द के जब इम्प्लीकेशन को देखते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जब उसके उससे हम क्या डिराइव करते हैं, उसका क्या मीनिंग है सबके लिए, मेरे लिए क्या है, आपके लिए क्या है, और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के लिए क्या है। हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन अगर जैसे इंडियन प्राइम मिनिस्टर हो गया, कोई कैबिनेट मिनिस्टर हो गया, कोई चीफ मिनिस्टर हो गया, सो क्या ये डेफिनेशन हम वेरी कर सकते हैं कि मैं एज ए इंडिविजुअल, जैसे जो आपने कहा वो सब कुछ एज ए इंडिविजुअल के रूप में मैं फॉलो कर लूँ, ठीक है, मैं दूसरे के रिलीजन को भी फॉलो कर रहा हूँ, अपने रिलीजन को भी फॉलो कर रहा हूँ। इसलिए जो सेकुलरिज्म है वो सेकुलरिज्म के स्पिरिट को मैं ऑप्ट कर रहा हूँ, लेकिन अगर हेड ऑफ द गवर्नमेंट या हेड ऑफ द स्टेट यही सेम चीज करता है तो क्या हम उसी आईने से उसको देख सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है? तो मैं एक छोटे सा करेक्शन करना चाहता हूँ, हमने हमारे प्रीएम्बल में सेक्युलरिज्म वर्ड नहीं यूज किया। हाँ हाँ, हमने सेक्युलर यूज किया। हमने बोला वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमन रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक, सेक्युलरिज्म वर्ड नहीं यूज हुआ। दुनिया बदल गई सर इस पूरी कहानी में। जैसे एस आर बोमई जजमेंट, इनफैक्ट जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की बात की, जब पहले बार ऐसा बड़ा कॉमनली बोला जाता है कि एस आर बोमई जजमेंट ने पहली बार रिकॉग्नाइज किया कि सेक्युलरिज्म इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। सर भावना की बात हो रही है यहाँ पर। यहाँ पर सेक्युलर और सेक्युलरिज्म में बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। अगर मैं सेक्युलर वर्ड यूज कर लेता हूँ तो फिर तो मैं एज अ रिलीजन, एज अ स्टेट, एज अ हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट, मेरी हिम्मत ही नहीं होनी चाहिए कि मैं किसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में चले जाऊं। ये तो वेस्टर्न डेफिनेशन है। सेक्युलरिज्म मुझे अलाउ करता है कि एज अ प्राइम मिनिस्टर मैं श्री राम के सामने साष्टांग नमन भी करूंगा, मैं चर्च में भी जाऊंगा, मैं करतारपुर साहिब का भी इनॉग्रेशन करूंगा कॉरिडोर का, और मुझे कोई मना नहीं करेगा। मैं हज की सब्सिडी भी दूंगा। सर अगर ये आईएसएम वर्ड हटा दिया जाए तो हम कुछ और है। सेक्युलर इज नॉट इट्स नॉट दी ऑल एंड ऑल एवरीथिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। Constitution is based upon facts and evidences. It's based upon a philosophy. जब डॉक्टर अंबेडकर से पूछा गया था कि डॉक्टर अंबेडकर आपकी फिलॉसफी क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो सबको मालूम था डॉक्टर अंबेडकर वाज अ बिग बिग फैन ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी बोलते थे।
तो उनकी खुद की लाइन थी कि ऐसी गलत फहमी मत रख लेना, मेक नो मिस्टेक अबाउट इट, मेक नो मिस्टेक अबाउट इट दैट माय फिलॉसफी इज बेस्ड ऑन द फ्रेंच रेवोल्यूशन. प्लीज रिमेंबर माय फिलॉसफी इज बेस्ड ऑन रिलीजन. सर रिलीजन वर्ड यूज किया था डॉक्टर अंबेडकर, द ग्रेट डॉक्टर अंबेडकर, बड़े आराम से उस टाइम पे वर्ड बोल सकते थे कि नहीं यार हम तो नॉन रिलीजियस स्टेट है, कुछ भी वर्ड यूज किया जा सकता था, कुछ नहीं बोला उन्होंने, बोला रिलीजन को शब्द को मिस इंटरप्रेट कर दिया गया. हमारा रिलीजन कॉन्सेप्ट धर्म शब्द से आया सर. धर्म वर्ड इज नॉट नेसेसरली एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलीजन. हमारा धर्म वहां से शब्द हुआ जब बोला गया कि महाभारत में धर्म युद्ध है. तो कौन से धर्म की युद्ध हो रहा था सर? वो तब हिंदू मुसलमानों का युद्ध हो रहा था कि हिंदू क्रिश्चियन का युद्ध हो रहा था. इनफैक्ट हिंदू शब्द का किसी वेद शास्त्र में इस्तेमाल नहीं किया गया. इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने बोला कि हिंदुइज्म इज नॉट अ रिलीजन, इट्स अ वे ऑफ लाइफ. क्या धर्म की बात हो रही है सर? कौन सा धर्म? हमारे कोर्ट्स में बोला जाता है कि मैं धर्म के नाम पे सच कहूंगा, तो कौन से धर्म की बात हो रही है? नॉट द इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलीजन सर. ये धर्म है इक्वालिटी एंड जस्टिस. ये धर्म है इक्वालिटी एंड जस्टिस. उस धर्म को जो मर्जी नाम दे दिया जाए, वो सिर्फ पॉलिटिसाइजेशन है ऑफ अ कॉन्सेप्ट जो कंप्लीटली जायज है, जिसमें बोला गया है कि एक डिविनिटी है, आप उसको किसी भी नाम से जाने, जो आपको पसंद है वो कर लो. इसलिए आर्टिकल 25 में वर्ड यूज किया गया कॉन्शियंस. एक एक वर्ड को सोच समझ के डाला गया सर, एक एक वर्ड को, ताकि ये क्लैरिटी ना रहे कि ये किसी का देश नहीं सर. लोगों को है कि इंडिया या हिंदुस्तान हिंदूज पे बना और पाकिस्तान मुस्लिम बेस्ड हुआ. नहीं, केवल पाकिस्तान मुस्लिम डोमिनेशन स्टेट से बना. इंडिया तो हमेशा से प्लूरालिज्म में था सर. इंडिया तो हमेशा सर्वधर्म संभव था. पाकिस्तान मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट बना बिकॉज ऑफ जिन्नास डेफिनेशन से. हम तो हमेशा से सब कुछ सारे रिलीजन साथ में थे. तो इस धर्म शब्द का जो इस्तेमाल हो रहा है ये रॉन्ग है. यहाँ पे हम बोला जाता है कि यहाँ पर इक्वालिटी एंड जस्टिस है. तो मैं करतारपुर साहिब कॉरिडोर खोलने के लिए भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जाएंगे, तब ये सवाल नहीं उठता सर. तब ये सवाल नहीं उठता. क्यों नहीं उठता? बिकॉज ऑफ द एंटायर कॉन्सेप्ट कि तब कोई इसको पॉलिटिसाइज नहीं करता. अगर मैं बोले, जब श्रीलंका में ईस्टर के करीब बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, टेररिस्ट ब्लास्ट हुए थे, आप इसके वाकिफ होंगे, जब आपने आपको करंट अफेयर्स इतना अच्छे से आप सबको पढ़ाते हैं, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी वाज द फर्स्ट फॉरेन लीडर टू विजिट द चर्च. तब ये सवाल नहीं होता. व्हाई? बिकॉज हम सेक्युलरिज्म में विश्वास करते. सो ये जो एंटायर कॉन्सेप्ट इज बेस्ड अपॉन सर्वधर्म संभव, और मेरे हिसाब से इसको यही छोड़ देना चाहिए. बिकॉज दिस इज बेसिक स्ट्रक्चर. इंडिया इज बेस्ड अपॉन प्लुरालिज्म. इंडिया इज बेस्ड अपॉन रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स रिलीजन विदाउट एनी थॉट प्रोसेस कि मैं किसी और को अनादर कर रहा हूँ या किसी और धर्म को किसी एक धर्म से कंपेयर कर रहा हूँ. बिल्कुल सही कह रहे हैं सर. लेकिन जैसे अगर हम अपने समाज का इवोल्यूशन देखें, सोसाइटी का इवोल्यूशन देखें, जैसे अभी आपने कोट किया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू धर्म जो है उसको वे ऑफ लाइफ की बात की कि ये हिंदू जो है हिंदुइज्म है, या जैसे हिंदू जो नाम आपका है सिंधु रिवर से, क्योंकि सा को हा बोलते थे, इस टाइप का. तो लेकिन ठीक है, उस समय हम कह सकते हैं कि हिंदुइज्म या हिंदू जो है ये वे ऑफ लाइफ है. लेकिन आज का जो समाज है, आज का सोसाइटी है, या आप लॉ भी देखिए, जैसे आपका आई थिंक हिंदू मैरिज एक्ट अलग से है, तो आज के समय में हम उसको वे ऑफ लाइफ ना मान के हम उसे रिलीजन मानते हैं. आज के समय में अगर आप लॉ की बात करें तो लॉ में आपका अगर रिलीजन कॉलम भी देखें तो वहां पे हिंदू एक रिलीजन कैटेगरी में है, और उस रिलीजन के अंदर सर्टेन बिलीफ है, और समाज जो है उसमें इवोल्यूशन आपका होता जा रहा है. समाज सोसाइटी में भी आपका लगातार रिवोल्यूशन हो रहा है. सो अगर जो परसेप्शन है, लोगों का जो परसेप्शन है रिलेटिंग टू डिफरेंट रिलीजन, जैसे ये जो अभी इंसिडेंट जो हुआ, इंडियन प्राइम मिनिस्टर गए
अयोध्या में, और उन्होंने अपना जो फेथ है उसको शो किया, जो कि उनको संवैधानिक राइट भी है आर्टिकल 25 से 28 में, ये सब आपका है भी। लेकिन जो एक एप्लीकेशन लिखा गया था, जो बड़े आपके इंटेलेक्चुअल्स के उन्होंने एक एप्लीकेशन सेंड किया था, उन्होंने कहा कि जो संवैधानिक राइट्स हैं आर्टिकल 25-28 में तक जो मेंशन्ड है, वो जैसे एक इंडिविजुअल को राइट है उसको प्रैक्टिस करने का, वैसे हेड ऑफ द गवर्नमेंट या हेड ऑफ द स्टेट को भी वो राइट है, लेकिन वो तब राइट है जब वो अपने आप को इंडिविजुअल के रूप में कंसिडर करे, एज अ प्राइम मिनिस्टर के रूप में नहीं। अब ये बहुत माइंड में कंफ्यूजन हो जाए कि प्राइम मिनिस्टर आप कह रहे हैं आज रात को 8 बजे से मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं हूं, तो ये जो इंडिविजुअल को इंस्टीट्यूशन से आप कैसे अलग करेंगे? मतलब ये जो लॉजिक है कि नथिंग रॉन्ग विद प्राइम मिनिस्टर एज अ सिटीजन टू प्रैक्टिस हिज रिलीजन, बट इफ ही और शी इज प्रैक्टिसिंग हिज रिलीजन एज अ प्राइम मिनिस्टर या हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन किसी का, तो वो आपका अलाउड नहीं, वो एक गलत परसेप्शन दे देता। ये एक मेरी आइडेंटिटी मेरे टाइटल से कैसे चेंज हो सकती है? मेरी आइडेंटिटी, सपोज मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं एक प्राइम मिनिस्टर, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम अ ज्यूरिस्टिक पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ, आई एम अ पर्सन, इसलिए ज्यूरिस्टिक पर्सन बोला जाता है। मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मैंने संविधान की शपथ उठाई है, मैं आर्टिकल 74 में प्राइम मिनिस्टर हूं, और कल मैं अपने पिताजी की प्रॉपर्टी इनहेरिट करता हूँ, क्या ये मना है? एज अ इंडिविजुअल मेरे राइट्स है, एज एन इंडिविजुअल मेरे राइट्स है, सो हाउ कैन आई बी, मुझे अपने इंडिविजुअल राइट से कौन रोक सकता है? बिकॉज आर्टिकल 25 में नो पर्सन पर्सन शब्द यूज किया गया, पर्सन, सो द प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो अ पर्सन, मिस्टर नरेंद्र मोदी इज अ पर्सन, so how can you take away my rights? वो मेरा fundamental rights भी है as a person. Tomorrow, और ये जब when you are, I am occupying an constitutional office, मैं फिर इस बात को बोल रहा हूँ, मैं इस बात को फिर बोल रहा हूँ, there is a difference between polity and politics, huge difference. वो नुक्ते की कहानी है, खुदा से जुदा हो जाता है, वही वाली कहानी होती है जो उर्दू में बोलते हैं, तो सारी कहानी polity और politics में spelling का ही नहीं, बहुत दुनिया का फर्क हो जाता है। मैं यही सवाल हर समय ये बात पूछ रहा हूँ कि जब ये सेम प्राइम मिनिस्टर गुरुद्वारे में जाते हैं, जब ये सेम प्राइम मिनिस्टर करतारपुर साहिब कॉरिडोर खोलते हैं, या फिर वो चर्च में जाते हैं, या कल लेट्स हैव इट एज अ फिक्शन, कल एक्स वाई जेड हमारे प्राइम मिनिस्टर बने हु इज अ मुस्लिम रिलीजन, तो क्या उनको नमाज पढ़ना मना हो जाएगा? ये सवाल डिफिकल्ट क्वेश्चन है सर, लेकिन इन सवालों को आज हमें जवाब देना चाहिए, बिकॉज वी आर अ मैच्योरिंग कंट्री, वी शुड टेक दिस आंसर राइट एट द हेड ऑफ इट, कि ये जो मीडिया में उठता है, या फिर नॉट सो मैं बिल्कुल साफ बोलता हूँ, नॉट सो वेल मीनिंग पीपल, जो देशभक्त अपने आप को नहीं बोलने चाहिए, जो सिर्फ एक आवाज उठाना चाहते हैं, वो इस कंट्री को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये कंट्री में सच में डाइवर्सिटी के अंदर यूनिटी है, सच में वो देश है, ये वो सच में देश है जहां पर हमारे प्रेसिडेंट मुस्लिम हो सकते हैं, उनके साथ हिंदू प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, और आर्मी ऑफिसर सिख हो सकते हैं, ये सब अलाउड है, ये अलाउड है, यही इस कंट्री की स्ट्रेंथ है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्टर अंबेडकर एक 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 नमस्कार सब लोग करें उस महान प्राणी का जिसका नाम था डॉक्टर अंबेडकर, ओके, और उन फाउंडिंग फादर्स का, उन्होंने इसके लिए स्पेस छोड़ी, उन्होंने कोई वर्ड नहीं यूज किया, उन्होंने क्लैरिटी छोड़ी कि कर लो, यू नो कॉन्शियस वर्ड यूज किया, उन्होंने कोई वर्ड कहना, हाँ अब आप उसे प्रियम्बल में सेक्युलर वर्ड यूज कर लें वो बात अलग है, बट आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, वो भी अपनी तरह से एक राजनीति थी, और उसका उसमें मैं नहीं जाना चाहता, बिकॉज आई डोंट थिंक दैट इज द पॉइंट ऑफ दिस डिस्कशन, बट द एंटायर कॉन्सेप्ट अबाउट हियर इज कि एक लाइन थी, दैट लाइन वाज सर्वधर्म संभव, सिंपल एज दैट, उससे ज्यादा क्या बोला जाए और क्या समझा जाए, संभव है, मुझे नहीं पता चलेगा, मैं अपने, और सर जिसे आप हिंदू बोल रहे हैं, जिसे आप हम हिंदू शब्द बोल रहे हैं, उसकी डेफिनेशन बताइए,
कौन सा भगवान की प्रार्थना हिंदू धर्म के अंदर एक ही तरीके से या एक ही तरफ से किया जाता है। जब जन्माष्टमी आती है तो कुछ और नाम होता है, जब दिवाली होती है तो कुछ और नाम होता है, यही प्लुरालिटी है सर, यही प्लुरालिटी। और कॉन्स्टिट्यूशन में ये अलाउड है, ये अलाउड है, दिस इज व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, अलाउड है। जैसा जो रिलीजन है, अगर रिलीजन के रिचुअल्स को प्रैक्टिस किया जा रहा है, सो हम रिलीजन के रिचुअल्स को अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो भी है, अगर वो रिलीजन के रिचुअल्स को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्या वो रिलीजन के रिचुअल्स को एक पब्लिक की नजर से दूर रहकर एक इंडिविजुअल लेवल पे प्रैक्टिस करें? ऐसा ऐसा नहीं, मतलब अगर आपका रिलीजन का हमारा राइट है, अगर मैं किसी गॉड को मानता हूँ, आप किसी गॉड को मानते हैं, सो जो रिलीजन की प्रैक्टिस है वो मेरा इंडिविजुअल डिसीजन है और वो मेरा इंडिविजुअल बिलीफ है कि मैं किसको मानता हूँ किसको नहीं मानता हूँ। अगर हम इसको इंडिविजुअल लेवल पे अपने प्राइवेट स्पेस में प्रैक्टिस करें वो ज्यादा सही है कि हम पब्लिक स्पेस में जाके अपने फेथ को शो करने का कोशिश करें, वो ज्यादा सही है? क्या सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा पॉइंट यहाँ पर यही है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट या हेड ऑफ द स्टेट जो है इस प्लूरल सोसाइटी जिसकी हम बात कर रहे हैं, जहां पे इस समय पोलराइजेशन भी है, प्लूरल सोसाइटी तो है ही लेकिन पोलराइजेशन भी एक रियलिटी है, पोलराइजेशन। तो यहाँ पे जब सोसाइटी पोलराइज हो रही है, वहां पे जब हम अपने इंडिविजुअल बिलीफ को पब्लिक स्पेस में अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, क्या ये बेटर ऑप्शन है कि ये फिर इंडिविजुअली डिसाइड करे कि मैं पब्लिक में करूं प्राइवेट में करूं, या फिर उसका जिम्मेदारी है कि अपने रिलीजियस रिचुअल्स को एक हम प्राइवेट स्पेस में ही प्रैक्टिस करें, ये जो हमें संवैधानिक राइट्स मिले हैं उसको हम अपने प्राइवेट स्पेस में ही प्रैक्टिस करें? इसमें आप आपके मतलब क्या ओपिनियन है? इसमें दो पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट, मुझे अलाउड क्या है, पहला जरूरी है मुझे अलाउड क्या है। सो आर्टिकल 25 जो मेरा फंडामेंटल राइट है वो राइट टू वर्शिप है, उसमें सिंपल से बात है दैट यू हैव द कॉन्शियंस एंड सेकंड यू कैन प्रैक्टिस प्रोफेस एंड प्रोपोगेट योर रिलीजन। ना सिर्फ प्रैक्टिस सर, यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस की बात भी नहीं हो रही है, यहाँ पे प्रोफेस की बात है। मैं चिल्ला चिल्ला के बोलूंगा मेरा धर्म मुझे अच्छा लगता है एंड प्रोपोगेट, मैं और लोगों को भक्त बनाना ये भी मुझे अलाउड है। केवल प्रैक्टिस ही नहीं है, यहाँ प्रैक्टिस प्रोफेस एंड प्रोपोगेट है, मैं फैलाऊंगा। अगर ऐसा ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं, दो मिनट के लिए चलते हैं, छोड़िए कॉन्स्टिट्यूशन, थोड़ा और पहले चलते, कुछ हजार साल पहले चलते, एक आए थे एक महान उनको कुछ अवतार रूप में माना जाता है, वो स्वयं गौतम बुद्ध थे। ना प्रपोगेट करते वो इंडिविजुअली अपनी मेडिटेशन करते रहते तो बुद्धिज्म ना बनता, गुरु नानक जी ना प्रपोगेट करते तो सिखिज्म ना बनता, पैगंबर ना बात सबको बताते तो इस्लाम ना बनता। प्रोपोगेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एंटायर स्ट्रक्चर, प्रोपोगेशन। मैं बताऊंगा ही नहीं, मैं तो अकेले में बैठ के कर लिया मैंने मेडिटेशन, मेरे को एनलाइटनमेंट होगा। यहां पे सर जो मेरा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप स्टेट के बारे में पूछ रहे हैं, नहीं जो यहां पे वो तो एक रिलीजन आप ही कह सकते हैं, वो एक सर्टेन समाज को मैसेज दे रहे हैं और वो उसको फिर उन बिलीफ को उन फेथ को लोगों ने माना और वो रिलीजन नया बन गया। यहाँ पे जो बात हो रही है कि ऑलरेडी रिलीजन एग्जिस्ट करता है और उस रिलीजन को प्रैक्टिस हम करना चाहते हैं एक इंडिविजुअल के रूप में, ठीक है, और वो तो जो ये अलाउड है, वो आर्टिकल 25 में ये अलाउड है। हाँ, तो वहां प्रोपेगेट करना तो ठीक है, बट अब जैसे अगर हम देखें जो इंडियन कंसेप्ट है सेकुलरिज्म का, वहां पे हम सर्टेन रिलीजियस रिफॉर्म की तरफ जा सकते हैं, वहां वेस्टर्न कंसेप्ट टोटली सेपरेट है, लेकिन यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक खुद में इंस्टीट्यूशन है, इंडियन स्टेट को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो खुद में एक इंस्टीट्यूशन है, तो वहां पे वो जो उनका बिलीफ है उस बिलीफ को हम क्या पब्लिक स्पेस में उन्हें रिप्रेजेंट करना चाहिए या फिर प्राइवेट स्पेस में करना चाहिए? मतलब मैं यही आपको बोला था कि मुझे अलाउड क्या है। फर्स्ट नंबर वन, मुझे अलाउड है, पहली बात तो ये है कि मुझे अलाउड है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब अगला सवाल ये आ सकता है कि मोरालिटी पे भी, कि आपने इसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब जो पहला बात है, मुझे अलाउड है, प्रैक्टिस भी है, प्रोफेशन भी है, प्रोपोगेट भी है, मुझे ये अलाउड है अंडर आर्टिकल 25, ये मेरा फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। अब दूसरी बात है कि मैं करूं कि नहीं करूं, ये दिस इज टू ईच हिज ओन वाली कहानी। तो सर यहां पर एक मेजर कॉन्सेप्ट है, मैं गोरा हूं,
मैं गौर वर्ण का हूं, मैं बहुत गोरा हूं, ओके मेरा रंग गोरा है, डज नॉट मीन आप काले हैं. प्लीज अंडरस्टैंड दैट इज व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ दिस. सर्वे भवंतु सुखिना, ये कॉन्सेप्ट है. सबका सुख, सब बराबर है, सब डिविनिटी की तरफ जा रहे, ये मेरा कॉन्सेप्ट है. तो फिर मुझे मेरे धर्म से फॉलो करते हुए, चाहे मैं उसकी प्रैक्टिस करूं, चाहे मैं उसको प्रोपोगेट करूं, चाहे मैं मंत्र उच्चारण करूं, चाहे मैं व्रत रखूं, चाहे मैं साष्टांग नमस्कार करूं, इससे किसी और को, किसी और धर्म को या धर्म गुरु को या फिर धर्म फॉलो करने वालों को थ्रेट नहीं लगना चाहिए. बिल्कुल नहीं लगना चाहिए. ये मच्योरिटी है. दिस इज हाउ अ कंट्री कम्स टुगेदर. ये तो वही वाली बात है जो हमारे नेबर में हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है. वहां पर अगर आप गुरुद्वारे खोल देते हो तो वहां पर स्टेट को बुरा लगने लगता है कि ये क्या कर रहे हो. ये अगर ये फर्क हम नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं तो फिर इस देश का और वो हमारे जो पड़ोसी देश है उसमें फर्क ही क्या रहेगा. सही बात है, बिल्कुल सही बात है. फंडामेंटलिज्म होता है. सो ये फंडामेंटलिज्म हटना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म बहुत ऊंचाई का है. जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो बहुत ऊंचाई का है कि जस्ट बिकॉज मैं अपना धर्म फॉलो करता हूं, इट इज नॉट टेलिंग एनीवन कि आपका धर्म कहीं से भी कम है या फिर मैं उसका बुराई कर रहा हूं या अनादर कर रहा हूं. ये ऐसा कहीं नहीं है. ये हमारे मन में ही नहीं है और ये आज नहीं, हजारों वर्षों से यही चले आ रहा है. हजारों वर्षों से इंडिया वॉज ऑलवेज हैविंग द फीलिंग ऑफ सेक्युलरिज्म. बिल्कुल. जैसे पहले भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे 1951 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, उन्होंने उन्होंने सोमनाथ टेम्पल में उनको इनॉग्रेशन में बुलाया गया था तो वो गए भी थे. फिर उनको जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उन्होंने अपना डिसएग्रीमेंट शो किया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने कहा कि मैं अपने रिलीजन को अपने आप से अलग नहीं कर सकता और अगर मुझे चर्च मॉस्क में बुलाया जाएगा तो मैं जाऊंगा. 1989 में राजीव गांधी जी हैं, वो भी गए थे. उन्होंने अपना मतलब उन्होंने अपना इलेक्शन कैंपेन बकायदा अयोध्या से शुरू किया था 1989 में और उन्होंने राम राज्य की बात की थी. और 1966 में मतलब और थोड़ा पहले देखा जाए तो जो इंदिरा गांधी हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था सेंचुरी सेलिब्रेशन ऑफ इस्लामिक सेमिनरी दारुल उल दियोबंद. तो मतलब पहले भी जो हेड ऑफ द आप कह सकते हो गवर्नमेंट या इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अपने आप कह सकते हो या फेथ की बात करें या फिर सेक्युलरिज्म के रेस्पेक्ट की बात होती है या प्लुरैलिटी के रेस्पेक्ट की बात होती है तो वो देखने को मिला था. बट वहां पे जो पॉलिटिसाइजेशन का लेवल था वो शायद कम था. आज के समय में जो वो लेवल है वो बहुत बढ़ गया. बिल्कुल सही बात. बिल्कुल वो जो लेवल है पॉलिटिसाइजेशन का वो बढ़ गया. ये पॉलिटिसाइजेशन है सर. ये देश वो है जहां पर महादेव की प्रार्थना करने अमरनाथ जाते हैं तो उनके कंधों पे बैठ के जाते हैं जो इस्लाम फॉलो करते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. बहुत बहुत वो देश है. बहुत वो देश है सर. ये वहां पर जाते हैं तो वहां पर जाया नहीं जा सकता. अब अमरनाथ की यात्रा में बहुत बुजुर्ग जाते हैं, बड़ी कठिन बड़ी जटिल समस्या होती है. वैष्णो देवी जाते हैं तो वहां पर जाते हैं. ये वो देश है सर. अगर ये देश अगर ये छूट गया तो ये देश के मतलब ही खत्म हो जाएगा. इस देश का मतलब ही ये है कि हमें नहीं फर्क पड़ता कि कौन कौन से धर्म का है. ये दिस इज नॉट इन द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन. ये नाम का बड़ा इंपॉर्टेंट फर्क है कि ये सेक्युलर है कि सेक्युलरिज्म है. हम जैसे हम लोग फेडरल नहीं है बट फेडरलिज्म है. आप मेरे भाई नहीं है लेकिन आपका और मेरा भाईचारा है. सही बात है. बड़ा इंपॉर्टेंट है. ये बड़ा इंपॉर्टेंट महत्व है. मैं नहीं जानता ये भाईचारा कहाँ से आया लेकिन वो भाईचारा है. इसीलिए हमारे बीच में ये संबंध है कि उसको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए और उसको हमें फॉलो करना पड़े. ये जिम्मेदारी दे दी है हमें फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने. डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारे सर पर जिम्मेदारी छोड़ दी कि बड़ी मुश्किल से हम यहाँ तक आए हैं, इसको संभाल के रखना. Politicization is going to create a huge rift in this entire scenario. But मुझे पूरा यकीन है कि ultimately the wisdom will prevail. बिल्कुल. आखिर में एक चीज ये देख लेते हैं कि जो यूथ है मतलब जो इस पॉलिटिक्स को भी कैरी करेगा, इस रिलीजन को भी कैरी करेगा, इस सोसाइटी को भी कैरी करेगा, इस देश को भी कैरी करेगा. सो ये यूथ अपने आप को इस पॉलिटिसाइजेशन से
या फिर आप कह सकते हैं पोलराइजेशन से कैसे बचाए, मतलब जो उसका थॉट प्रोसेस है, क्योंकि आजकल का तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का जमाना है, लोग जो है वो दूसरे के ओपिनियन को बोरो करते हैं, मतलब ओपिनियन इस प्रकार के क्रिएट करते हैं कि जैसा जिसको जैसा सोचवाना है वैसा इंफॉर्मेशन आपको दिया जाएगा, वैसा आप सोचोगे, सिंपल सा ही चलता है। तो इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के जमाने में हम अपने इस बेसिक, जिस चीज की आप बात कर रहे हैं, हम अपने जो बेसिक एट्रीब्यूट है समाज के, कि हम एक साथ सभी लोग को एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक काइंड ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशन है हमारे बीच का, वो हम कैसे, एक दो पॉइंट हम क्या करें ऐसा कि ये मेंटेन रहे, आपके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं सर? सबसे पहले तो टीवी कम देखिए, YouTube ज्यादा देखिए, अनअकैडमी चैनल ज्यादा, मतलब टीवी कम देखिए। इसका रीजन क्योंकि बहुत कम रिस्पॉन्सिबल इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है। आमतौर पर जो इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है उसका मकसद आवाज कंट्रोवर्सी क्रिएट करना है, टीआरपी देखोगे, और वो एक इररिस्पॉन्सिबल डिस्कशन होने की वजह से पता नहीं चलता कब हमारे मन को क्या अफेक्ट कर गया। नंबर वन इज दिस। नंबर टू, मैं एक प्रैक्टिकल एडवाइस दे सकता हूँ अगर यूथ ऑफ इंडिया इज लिसनिंग, कि जब भी कोशिश कीजिए एक दूसरे को ग्रीटिंग्स दे रही है लास्ट में तो दुआ सलाम करें, तो एंड कीजिए जय हिंद से। ये देश नहीं होगा ना सर, तो ना आपका धर्म रहेगा, ना मेरा धर्म रहेगा, ना किसी का धर्म रहेगा, ना कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, कहानी खत्म। एवरीथिंग विच टेक्स इंडिया अहेड केवल वो कीजिए। ये जय हिंद वर्ड में बहुत ताकत है सर, लोगों ने अपनी जान दे दी, हमारी फौज जय हिंद बेसिस पर लड़ गई। जब चाइना ने अटैक किया था 1962 में, -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारे फौजी लड़ गए जय हिंद बेसिस पर। खाने को अन्न नहीं था, कैनवस शूज पहन के बर्फ में अक्टूबर में निकल गए जय हिंद पर। ये जवान 22-23 साल के कैप्टेंस एंड मेजर्स ये जय हिंद बेसिस पर अपने आप को कुर्बान कर देते। मैं एक शहीद का भतीजा हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड दिस, उनकी फोटो इस टाइम पे मेरे सामने। अगर जय हिंद ना होना तो सर फिर कुछ नहीं रहेगा, नथिंग अबव द नेशन, नथिंग। अगर ये स्पिरिट आ गई ना, ये दुकानें बंद हो जाएगी जो पॉलिटिक्स की चल रही, ये दुकान तब तक चलेगी जब तक हम ये खरीद रहे। इस दुकान को बंद किया जाए, और उसका यही बेसिस है कि जो मर्जी मिले, जो मर्जी धर्म का मिले, उसको एक दूसरे को जय हिंद करे, दैट्स इट। ये इंडियन है ना, वो हम देख लेंगे, बाकी सब क्या है, रेस्ट इज सेकेंडरी। सही बात है। तो आज के सेशन में इतना ही, और आई होप ये सेशन आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सिद्धार्थ सर, आगे भी कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यूज में हम लोग डिस्कशन करेंगे। थैंक यू एवरीवन, और जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू। गॉड ब्लेस। जानेंगे। So this session is presented by me. My name is Saurabh Pandey. Unacademy से आप जुड़ सकते हैं। अगर आप 2021-22 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? So Unacademy में आप इन जनरल प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, और एक ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया गया है, जिसके तहत इसका आपको बेनिफिट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। आपको एक पर्सनल कोच असाइंड रहेगा, जो कि आपके मोटिवेशन, गाइडेंस, स्टडी ट्रैकर, डेली रिपोर्ट्स, प्रोफाइल रिव्यू, ये सब आपके लिए अवेलेबल रहेगा। तो एक आप कह सकते हो कि आपको एक पुश करने वाला एक पर्सन रहेंगे, साथ में कोई डाउट है, मोटिवेशनल एस्पेक्ट, गाइडेंस है, स्टडी ट्रैकर, हर एक चीज़ है। यू कैन गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। अगर आप शुरुआत ही कर रहे हैं एग्जाम प्रिपरेशन की, या फिर आप प्रीलिम्स क्लियर कर पा रहे हो, मेंस नहीं क्लियर कर पा रहे हो, या फिर प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हो रहा है, तो यू कैन गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। यूज दिस कोड, दैट इज SPLIBE, अगेन द अमाउंट विल रिड्यूस बाय 10%। ठीक है? तो मेरे कोर्सेज भी आप इसमें अवेलेबल रहेंगे, इंडिया के टॉप 80+ एजुकेटर के आपके कोर्सेज अवेलेबल होंगे, मतलब जितने भी UPSC के लिए प्रिपरेशन के लिए आपको चाहिए, वो सब कुछ, सारे सब्जेक्ट्स आपके लाइव पढ़ाए जाएंगे, इस पूरे पैकेज में सब कुछ इंक्लूडेड है।